नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के 8वें दिन के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म को 5 जून को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था और आज इस फिल्म को हो चुके हैं पूरे 8 दिन। 8 दिनों बाद भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है और काफी पसंद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने शुरुआती 6 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए थे 159.30 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 8.30 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शंस भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे रहे हैं और इस फिल्म ने आज भी बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं लगभग 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का 8 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 175 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा चुकी है 203 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाए हैं अभी तक 70 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 273 करोड़ रुपए का। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 70 देशों से ज्यादा में रिलीज हुई है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के कैरियर की सबसे बड़ी रिलीज फिल्म साबित हुई है और बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। तो दोस्तों इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से 200 करोड़ की कमाई तो करने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म को अगले हफ्ते भी कोई बड़ी फिल्म से कंपटीशन नहीं मिलने वाला है, यानी कि इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रहने वाला है लगभग 230 से 240 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इस तरह से ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के लिए एक और 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।